हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम. टुडे वी विल गोइंग टू लर्न सेवेंथ स्टैंडर्ड पोएम इंग्लिश. हाउ डॉट द लिटिल बिजी बी. इट इज़ रिटन बाय इसाक वॉट्स. इसाक वॉट्स इज द राइटर ऑफ दिस पोएम हाउ डॉट द लिटिल बिजी बी. बिजी बी एक टाइटल दिया है हनी बी को, क्योंकि वो हमेशा बिजी रहती है. हाउ डॉट द लिटिल बिजी बी, ये जो सेंटेंस यूज किया गया है, जो टाइटल है हमारा हाउ डॉट द लिटिल बिजी बी, एंड यूज द बी एज अ मॉडल ऑफ हार्ड वर्क. जो वो हनी बी है, हनी बी को एक टाइटल दिया है बिजी बी, क्योंकि वो हर दम हमेशा हमिंग करती रहती है, यानी वो अपना नेक्टर निकालती रहती है अपना ये सेल बनाने के लिए, यानी अपना मधुमक्खी का छत्ता बनाने के लिए. छत्ता यानी हाइव बनाने के लिए. बी हाइव, जिसे मधुमक्खी के छत्ते को कहते हैं बी हाइव. तो चलिए, वी विल स्टार्ट. हाउ डॉट द लिटिल बिजी बी इम्प्रूव ईच शाइनिंग आवर एंड गैदर हनी ऑल द डे फ्रॉम एवरी ओपनिंग फ्लावर. एक बिजी बी कैसा अपना टाइम यूटिलाइज करती है. इम्प्रूव ईच शाइनिंग आवर. इम्प्रूव ईच शाइनिंग आवर मतलब वो अपना दिन पर दिन बेटरमेंट लाती है, दिन पर दिन इम्प्रूव यानी बेटर करती रहती है. इम्प्रूव यानी बेटर. ईच शाइनिंग आवर. ईच शाइनिंग आवर मतलब जो वो हनी भी है वो अपना टाइम कभी वेस्ट नहीं करती है. शी नेवर वेस्ट हर एवरी सिंगल टाइम. शी यूटिलाइज हर टाइम. हर समय का उपयोग करती है, मतलब वो अपने हर टाइम को यूज करती है. शाइनिंग आवर का मतलब ये है. और डॉट यानी डज. हाउ डॉट द लिटिल बिजी बी. डॉट यानी डज. एंड गैदर हनी ऑल द डे फ्रॉम एवरी ओपनिंग फ्लावर. और हनी गैदर करती है, हर दिन हनी गैदर करती है फ्रॉम एवरी ओपनिंग फ्लावर. ओपनिंग फ्लावर यानी ब्लूमिंग फ्लावर, खिले हुए फ्लावर से. ओपनिंग फ्लावर यानी ब्लूम किए हुए, ब्लूमिंग फ्लावर से अपना हनी कनेक्ट, अपना नेक्टर कनेक्ट करने के लिए. नेक्टर यानी जिससे वो अपना शहद यानी हनी जो बनाती है, ये अपना जो ये छत्ता है हनी बी हाइव जो कहते हैं, नेक्टर उससे बनता है. आगे हम देखेंगे. हाउ स्किलफुली शी बिल्ड्स हर सेल. हाउ नीट शी स्प्रेड्स हर वैक्स एंड लेबर्स हार्ड टू स्टोर इट वेल विद द स्वीट फूड शी मेक्स. स्किलफुली यानी वो कितने वेल, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बहुत अच्छा. बहुत अच्छा या वेरी वेल. हाउ वेल, हाउ स्किलफुली शी बिल्ड्स हर सेल. वो बहुत अच्छे तरीके से अपना सेल बनाती है. सेल यानी ये जो आपको दिख रहा है छत्ता, जिसे बी हाइव कहते हैं, वो कितने अच्छे तरीके से बनाती है. हाउ नीट शी स्प्रेड्स हर वैक्स. वो जो अपना वैक्स लगाती है, और हमेशा जो बी हाइव रहता है वो झाड़ पर या किसी की विंडो के बाहर भी बन जाता है, या बिल्डिंग्स में वो बहुत कोने कोने की जगह पर जैसा बनाते हैं ये, तो ये इनका हमेशा जो बी हाइव रहता है वो डाउनसाइड फेस करता है. वो जो जितना भी लोड या बैलेंस जो आ जाता है, तो वो हम जो भी चीज़ उल्टी साइड रखेंगे तो वो नीचे डाउनवर्ड्स गिरेंगी टूवर्ड्स ग्राउंड. पर जो इनका जो बीहाइव रहता है, ये इतने अच्छे तरीके से बनाते हैं, इतने अच्छे तरीके से कि वो कभी गिरता भी नहीं है. अगर आप कभी देखे होंगे जो मधुमक्खी के छत्ते से जो शहद निकालते हैं यानी हनी जो निकालते हैं, तो ये जो सेल रहता है इनका, ये जो हेक्सागन शेप में जो है, ये जो इनका जो हेक्सागन शेप का जो छत्ता रहता है वो इतना नीट रहता है, वो ऊपर से भी एकदम नीट रहता है और वो कभी टूटता भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से उसके ऊपर वो कोटिंग करते हैं वैक्स की. वैक्स यानी जो ये हमारा ये जो दिख रहा है आपको लिक्विड फॉर्म में, जो ये है लिक्विड फॉर्म में शहद हनी, तो वो इसको जो हेक्सागन शेप में ये जो सेल्स है उसको भी वो कोट कर देते हैं, तो ये गिर नहीं सकता. ये बहुत अच्छे से ये लोग बनाते हैं, या फिर ये इनका कोई सीक्रेट होगा, ये खुद जो मस्त बनाते हैं इतना अच्छा. एंड लेबर्स हार्ड टू स्टोर इट वेल विद द स्वीट फूड शी मेक्स. एंड लेबर्स, लेबर यहाँ पर दिया है वर्कर. लेबर यानी हार्ड वर्कर. हार्ड टू स्टोर इट वेल. हार्ड टू, ये सेंटेंस को दिया गया है डे एंड नाइट. द शी वर्क्स डे एंड नाइट.
वो कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करती. शी वर्क्स डे एंड नाइट विद द स्वीट फूड शी मेक्स, जिससे वो अपना स्वीट फूड बनाती है. मतलब इतनी मेहनत के बाद जब वो बनाती है तो उसका जो लास्ट में जो वो बनता है, जो इसका बीहाइव बनता है, वो इतना स्वीट बनता है और हमेशा हनी हमेशा स्वीट रहता है, एकदम मीठा. इसलिए कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है. ये है सेकेंड पोयम, एक ही पोयम है. इस दोनों पोयम के पोएट्स अलग हैं. बी के थे इसाक वॉट्स एंड सेकेंड वाले है लुइस कैरोल. अ पैरडी, अ पैरडी यानी टू कॉपी समवन. टू कॉपी समवन, पैरडी यानी किसी को कॉपी करना. और ये पोयम लिखी गई है लुइस कैरोल से. और अ पैरडी मतलब किसी को कॉपी करना. इस पोयम में लुइस कैरोल ने कॉपी की है इसाक वॉट्स की पोयम हाउ डॉट द लिटिल बिजी बी को. इस पोयम को कॉपी की है इसाक लुइस कैरोल ने. बी की जगह क्रोकोडाइल को लिया है. जो ये लुइस कैरोल है जो अ पैरडी के, उन्होंने सेम पोयम में, एवरीथिंग इज सेम, मीनिंग भी थोड़े बहुत सेम है, राइम कर रहे एक दूसरे को. और बस ऐसा है कि लुइस कैरोल ने बी की जगह पर क्रोकोडाइल को लिया है. डिफरेंस है दोनों में कि जो यहाँ पर ऊपर की पोयम में हाउ डॉट द लिटिल बिजी बी में जो वो बी रहती है वो बहुत हार्ड वर्किंग होती है, और जो ये क्रोकोडाइल है ये एक लेजी क्रोकोडाइल, ऑलमोस्ट क्रोकोडाइल्स लेजी होते हैं. तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं. हाउ डॉट द लिटिल क्रोकोडाइल इम्प्रूव हिज शाइनिंग टेल. डॉट यानी डज, जैसे हम ऊपर की पोएम में पढ़े थे, डॉट यानी डज. हाउ डज द लिटिल क्रोकोडाइल इम्प्रूव हिज शाइनिंग टेल. क्रोकोडाइल की जो टेल होती है वो हमेशा शाइन करती है. वो दिन सिर्फ दिन भर बैठे बैठे वो अपनी टेल को हिलाते रहता है पानी से, और जो वो पानी है वो अपने टेल पर डाल रहा है. इम्प्रूव हिज शाइनिंग टेल यानी वो दिन भर सिर्फ बैठे बैठे अपनी टेल को पानी पहुंचा रहा है, अपनी टेल तक पानी डाल रहा है अपनी टेल पे और उसको शाइन कर रहा है. ऑलरेडी इतनी शाइनिंग है पर वो और उसकी टेल को शाइन करने चाह रहा है. एंड पोर द वाटर ऑफ द नाइल ऑन एवरी गोल्डन स्केल. पोर यानी गिराना, जैसे हम हमारी कोई भी चीज़ पोर कर रहे हैं, हमारे टीपॉट से हम चाय को हमारे कप में डाल रहे तो उसे पोर कर रहे. पोर यानी टू किसी चीज़ में डालना. एंड पोर द वाटर ऑफ द नाइल ऑन एवरी गोल्डन स्केल. नाइल यानी ये एक रिवर नाइल है, इट इज अ रिवर. ऑन एवरी गोल्डन स्केल, ये सेंटेंस का मतलब है एवरी गोल्डन स्केल यानी वो उसकी स्केल जो ये इसका पूरा बॉडी है, उसकी स्किन. स्केल को कहते हैं स्किन. On every golden scale. How cheerfully he seems to grin. How neatly spreads his claws. And welcomes little fishes with gently smiling jaws. जैसे cheerfully यानी happily. Cheerfully यानी happily he seems to grin. Grin यानी वो अपने आप को express कर रहा है कि कितना खुश और smile कर रहा है. Grin यानी smiling या express कर रहा है अपने आप को. How neatly spreads his claws. और वो कितने अच्छे तरीके से क्लॉज यानी जो ये इसके ये है उसे खोल रहा है. उसे मतलब ये जो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं क्लॉज. And welcomes little fishes with gently smiling jaws. जैसे वो इतने अच्छे तरीके से वो इतना अच्छे बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि क्रोकोडाइल तो है लेजी. और फर्स्ट स्टैंजा में जैसा था कि वो अपनी शाइनिंग टेल, उसकी ऑलरेडी इतनी शाइनिंग टेल है पर वो फिर भी जो वो पानी पोर यानी जो वो अपने ही पानी पोर कर अपनी टेल से अपने टेल पर उड़ा रहा है पानी. तो और गोल्डन स्केल, स्केल यानी स्किन, और क्रोकोडाइल की स्किन ऑलमोस्ट रहती है पूरी रफ, एकदम लाइन्स 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 रहते हैं. तो वही उसमें भी बोल रहा है कि क्रोकोडाइल इतना लेजी है कि वो उसकी शाइनिंग टेल पर, ऑलरेडी शाइनिंग टेल पर वो और
पानी डाल के उसे और शाइन कर रहा है. ओ हाउ चीयरफुली ही सीम्स टू ग्रीन. और क्रोकोडाइल खुद अपना शिकार भी अगर उसे मिलता है तो ही मतलब वो खा पाता है, ऐसा है. हाउ चीयरफुली यानी कितने हैप्पीली, मतलब वो कितना अच्छा बता रहा है अपने आप को, वैसा हैप्पीली चीयरफुली यानी हैप्पीली ही सीम्स टू ग्रीन. ग्रीन यानी वो एक्सप्रेस करके बता रहा है. जैसे रिवर है, रिवर के अंदर यहाँ पर इस पोएम इस स्टैंजा में बताया है कि जो ये क्रोकोडाइल है वो बहुत हैप्पीली एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को ताकि दूसरों को लगे, जैसे ये फिशेस को लगे कि ये बहुत अच्छा है तो वो उन सबको अपने पास वेलकम कर रहा है, अपने पास बुला रहा है. हाउ नीटली स्प्रेड इस क्लॉज, क्लॉज यानी ये जो इसके है क्लॉज, जबड़े कहते हैं जबड़े हिंदी में. एंड वेलकम लिटिल फिशेज विद जेंटली, जेंटली यानी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, एकदम डिसेंट तरीके से, बहुत अच्छे से. एंड वेलकम लिटिल फिशेज विद जेंटली स्माइलिंग जॉस, जो ये इसके जॉस से वो उन सबको अपने अंदर ले रहा है. मतलब जो फिशेज को भी लगे कि ये बहुत खुश है और ये बहुत अच्छा है तो हम इसके पास जाते हैं, तो ये लोग जाएंगे तो ये वैसे अपने फिशेस को वेलकम कर रहा है, फिशेस को अपने जॉस से अंदर ले लेगा. मतलब कि फिशेस को लगे कि ये हंस रहा है और जैसा ये अपना मुंह खोलता है वैसा फिश उसके अंदर आ जाती है. तो वही पोएम में डिफरेंस थोड़ा बहुत ही है, जैसा हाउ डॉट द लिटिल बिजी बी के अंदर था. इसाक वॉट्स ने लिखे थे इस पोएम को और उस पोएम में एक हार्डवर्किंग क्रिएचर यानी जो हनी बी थी वो हार्डवर्किंग थी, खुद हार्डवर्क करके अपना घर बनाती थी, मतलब अपना बीहाइव बनाती थी और उससे ही हमें अच्छा स्वीट फूड शी मेक्स, मतलब बहुत अच्छा शहद बहुत स्वीटली जो बनाती है हम खाते भी और वो भी खुद खाते हैं. और अ पैरोडी में मतलब था टू कॉपी समवन, तो जो ये लिवाइस कैरल जो ये अ पैरोडी के पोएट थे उन्होंने कॉपी किए थे इसाक वॉट्स की पोएम को. और एनिमल्स दोनों डिफरेंस है, ऊपर इसाक वॉट्स की उसमें थे हनी भी एंड यहाँ पर क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल एक लेजी है और ऊपर में है हनी जो एक हार्डवर्किंग है. और ये क्रोकोडाइल लेजी तरीके से अपना खुद का शिकार करता है. दैट्स इट, तो वी आर कंप्लीट विद आवर पोएम. सो चिल्ड्रंस प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स. थैंक यू.